आप देख रहे हैं पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर तो बनता है। चलते हैं लोकसभा की वीडियो वीडियो बताओ क्या पाकिस्तान में फिर फौजी हुकूमत आने वाली है? नहीं, बहुत मुश्किल सी बात है। ऑन फ्रंट पर तो नहीं आएगा, नहीं फ्रंट पर तो नहीं आएगा, बेसिकली चलाव हो ही रहे 100% बेसिकली चलाव हो ही रहे। फ्रंट पर तो काट पुतली रखेंगे जरूर। खैर देखते हैं मजेदार होने की वीडियो लोकसभा की, फिर मजीद बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है आईएमएल यानी इंडियन मीडिया लेटेस्ट का, अपने बंटी भाई का, और टाइटल है मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, क्राइंग पाकिस्तानी मीडिया। चले भाई देखते हैं क्या वीडियो बनाए। इंतखाबी नतायज के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का जाम शोरों में बड़ा पावर शो। हालात अच्छे नहीं, हो सकता है कि इमरजेंसी का ऐलान हो जाए। मस्त प्लान है। पाकिस्तान में एक बार फिर से मार्शल लॉ लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सर मुल्क के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होने की बातें की जा रही है, पांचवा मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगने जा रहे हैं। नहीं लगने वो लगने। और सुने, फौज ये समझती है कि हम इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं। जितनी दफा भी वो आए हैं मुल्क के हालात को पहले से ज्यादा बुरे हालात में छोड़ के गए। और नहीं तो क्या? अच्छा दिखाई दे रहा था वही हुआ। पाकिस्तान में चुनाव की गतिविधियाँ कभी तेजी पकड़ती हैं, कभी मंदी हो जाती हैं, फिर तेजी पकड़ती हैं, फिर मंदी हो जाती हैं। तो फिर होगा क्या? वज़ीर-ए-आज़म लेस पाकिस्तान मंजूर है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब हमें ये सब कुछ देखने मिलेगा तो फिर उसके बेहतर हम बगैर वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान चला सकते हैं। हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया में देखो 77 सालों में एक मार्शल लॉ भी नहीं आया, और जो भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर वज़ीर-ए-आज़म 5, 10, 15 साल पूरा करके जाते हैं। वहाँ पे हुक्म नहीं यार, हर वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं करके जाता। मैं तो वाजपेयी साहब ने पूरे नहीं किए 5 साल, पहली बार में, दूसरी बार में, एक दिन 13 महीने की सरकार बनी, एक बार 13 दिन की सरकार बनी, उससे पहले भी कई ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने पीएम है जिन्होंने 5 साल पूरे नहीं किए टेन्योर अपना। यहाँ भी होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा। यहाँ पे आर्मी का जो काम है वो आर्मी कर रही है, आर्मी इन कामों में नहीं आती जहां उसका कोई काम नहीं है। बाकी पाकिस्तान में तो ऐसा है कि आर्मी अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम करती है, सब्जी बेचने से लेकर खेती किसानी करने से लेकर और पापा जोंस में पिज्जा बेचने तक, बाकी अपना वो काम नहीं करती। वरना कहाँ 93,000 का सरेंडर हो जाता है यार, पतलूने उतरती यार, बताओ यार कैसे उतरी। हुक्मरान पैसे को अहमियत नहीं देते, यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं ना सारे पैसे लेके पीछे हुए हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। 2-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहाँ जहाँ जानी थी पेमेंट चली गई है। ये वो पाकिस्तान है जो कई दिनों से बगैर वज़ीर-ए-आज़म बगैर किसी सदर के चल रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। इसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का उसको जूते खाने हैं, ये बात तय है। अल्लाह तौबा, क्या कौम किधर है? हमने आज तक तो जमहूरियत देखी नहीं। नहीं देखी है तो मुल्क के नाम के साथ क्यों लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये तो जमहूरियत हो ही नहीं रही। सियासत आए रोज हम देखने को कोई नया रुख इख्तियार कर रही है, कहीं पे इत्तेहाद बन रहे हैं, कहीं पे इत्तेहाद टूट रहे हैं। देखिए पांचवा मार्शल लॉ लगने की बात की जा रही है तो वैसे ही आवाम को जहर दे के मार देना चाहिए। आवाम कभी खुश नहीं होती किसी के साथ खुश नहीं होती। वाह भाई वाह। और हम सुनने में ये आया कि इस इलेक्शन में कम से कम 20 अरब रुपए खर्च हुआ और 20 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद अगर हमें ये सब कुछ देखने मिलना था तो उससे बेहतर था कि ये पाकिस्तान का कर्ज उतार देते। आते हैं पता नहीं किस मुंह के साथ आते हैं और फिर भी आवाम से कहते हैं कि मजीद कुर्बानियां दे आवाम। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां आवाम से ले लें। पाकिस्तान का तो कानून अंधा बना दिए इन लोगों ने। अभी सर कानून है ही नहीं, ना अंधे ना अंधा है ना आंखों वाला है। पाकिस्तान के साथ हमेशा से ये इशू रहा है सिंस द बिगिनिंग, तो अब आगे भी कुछ मिरेकल तो होने नहीं वाला। ऐसे ही कोई लूली लंगड़ी गवर्नमेंट आपको मिलेगी। सर इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, ये चीज उन्होंने तरक्की की है, पाकिस्तान सबसे पीछे है। किस पे पीछे है? इसके ऊपर है ही चोर है, जो भी आता अपना पेट भरता। जब हमारे पास में पाकिस्तान है तो हमें कपिल शर्मा शो देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तानी हमें मनोरंजन का इतना कंटेंट देते हैं, तो मुझे तो ये लगने लग गया ये पाकिस्तान बना ही हिंदुस्तानियों के मनोरंजन के लिए था। हाँ भाई हाँ। आज रावलपिंडी के कमिश्नर ने भी इस्तीफा दे दिया। क्या बात कर रहा है? और कहा कि 70,000 की लीड लेने वालों को हमने जानबूझ के हराया।
फांसी देने जा रहा हूँ। सर ये मार्शल, ये तो बड़ा गजब का मामला था भाई साहब, और इसने पूरे पाकिस्तान की पोल पट्टी पूरी दुनिया के सामने खोल दी। अब वो जो रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने क्या कहा वो सुनवाना बहुत लाजमी हो जाता है, तो प्लीज सुनिए। 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोरे लगा के सबको हरवाया। जाली मोरे लग रही थी उस वक्त, आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ, और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। सब कुछ हुआ आखिर किसके कहने पर? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहा हूँ, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूमा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, पुलिस नाम बताएंगे जो लोग। अब आपको समझ में आया कि पाकिस्तानी जो बड़े चौड़े होकर कहते हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, अबे गधों, तुम्हें गधा बनाया हुआ है और उसके ऊपर जो बैठा है उसका नाम रख दिया गया है डेमोक्रेसी। अब समझ जाओ, अगर आईक्यू लेवल तुम्हारा इतना थोड़ा सा अप हो गया है तो समझ जाओ कि मैंने क्या बात कही। मार्शल लॉ की बातें बड़ी खतरनाक लग रही हैं और मीडिया में आ गया है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है लगने वाला, क्योंकि जब तक इतना अरसा हो चुका है 8 फरवरी से लेकर आज तक, देख लें 18 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक कोई वजीर आजम को नामजद नहीं हो रहा। सही हो तो कंडीशन ऐसी जा रही है कि कोई भी किसी सूरत यकीनी सूरत बना ही नहीं रही किसी, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है क्योंकि इस चीज पे आके एग्री हो, ठीक है, और इसका यही एंड भी निकलना है नतीजा कि उसने मार्शल लगा देना, और ये हमें इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा है। वोट बात करने वाले को ना उठा के ले जाती है। मैं तो कर रही हूँ ना, मेरा आईन में हक है, मेरा आईन मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है। आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम आज पहले हमें लेके जाते हैं, मेरी बात सुने, आज हम अगर बात करते हैं ना, हमें उठा के ले जाएंगे घर से, ठीक है, इसलिए कोई नहीं बोलता, नहीं तो बोलने वाला कौन नहीं है। आपको नहीं लगता कि मतलब सारी बहादुरी सिर्फ भारत और हिंदुओं और नॉन मुस्लिम्स और काफिरों के खिलाफ ही निकलती है जमान से? तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी? मानो ना कि फिर डरपोक कौम हो ना भाई, डरपोक कौम हो, गले से आवाज नहीं निकल रही और पता नहीं क्या क्या नहीं निकल रहा होगा फिर तो। बाकी बस बातें जहां हिंदुओं की बात आ जाएंगी, काफिरों की बात आ जाएंगी, नॉन मुस्लिम की बात आई, हमसे बहादुर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, जज्बा है हमारे पास, कलमे की ताकत है हमारे पास, तो कलमे की ताकत इस नाइंसाफी के खिलाफ क्यों नहीं दिखा रहे हो? दिखाओ ना कलमे की ताकत कितनी है, उतरो सड़कों पर, घसीट घसीट कर निकालो उन लोगों को जो तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हुए पड़े हैं, जिनकी वजह से पूरा देश जो है वो डूब गया है। कर नहीं पाओगे ऐसा बेटा, क्योंकि झूठ की बुनियाद ही है तुम्हारी, जिसकी बुनियाद ही झूठ पर हो, कुछ नहीं कर सकता वो देश, और ना उस देश के लोग कुछ कर सकते हैं। 15 अगस्त के बदले 14 अगस्त को मनाएंगे जी, सबसे पहला झूठ तो यही था, बुनियाद ही गलत रखी गई। इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, क्या फैसला निकला है, कौन जीता है आपके सामने, कौन जीता है? अभी तक तो कोई नहीं आया, सब इमरान खान के पीछे थे, ठीक है, इलेक्शन हुए हैं, कहाँ पे इलेक्शन, वो इमरान खान को सीट क्यों नहीं दी गई? सर मुल्क के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होने की बातें की जा रही है, 5वां मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगने जा रहे हैं, लगने हैं वो, लगने लगने मानते हो जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो लगने ही लगने। पूरी निजाम का क्या होगा, अगर यही तमाशा करना था तो 8 फरवरी क्यों किया? होना ही तमाशा है सर, ये उनकी सियासत है, ये उन्होंने एक अपना माइंड बना के सारा कुछ किया है। सर भारत जमहूरी मुल्क बना वो मजबूत हो गया, अब क्यों नहीं सीट संभाल रही है? नवाज शरीफ क्यों पीछे हो रहे हैं बताएं ना, नवाज शरीफ तो आ रहा है उसके पास, तो उन्होंने बस मुल्क को खाना है और कुछ भी नहीं है, मुल्क को खाना है बस, कोई बात करने वाला नहीं है। आप नवाज शरीफ के पास भी ज्यादा सीट्स नहीं है, नवाज शरीफ के पास ज्यादा सीट्स नहीं है इस चीज का मैं भी ले लूं, ठीक है, लेकिन क्या हुकूमत उनकी ही आ रही है? इंडिया में देखो 70 सालों में एक मार्शल लॉ भी नहीं आया, और जो भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर वजीर आजम 5-10-15 साल पूरा करके जाते हैं। वहाँ पे हुक्मरान पैसे को अहमियत नहीं देते, यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं ना सारे पैसे लेके पीछे हुए हैं, वहाँ पे पैसों को। क्या बात कर रहे हो यार,
हमारे नेता भी पैसों के पीछे बहुत लगे पड़ते हैं भाई, ऐसा मत बोलो यार। नहीं नहीं नहीं, ये झूठी तारीफ मैं सुन के खुश नहीं होऊंगा। हमारे यहाँ भी नेता हैं भयंकर वाले, पैसे के आगे पीछे रहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ भी होती है, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ मजबूत है, अगली बार सबक सिखा देती है जनता। आपके यहाँ तो जनता सबक नहीं सिखाती, घरों में चुपचाप दुबक कर बैठ जाती है, सारी ताकत सारा जज्बा सब सब कहीं जाके छुप जाता है, दुबक जाता है। को अहमियत नहीं देते, वो किसको, पड़ोसी किस चीज को अहमियत देते हैं? अपनी चीजों को देने हैं ना, वो ये बात नहीं है, ठीक है? तो पर बात करनी चाहिए ना, इलेक्शन उधर भी होते हैं, होते हैं इलेक्शन, लेकिन आवाम को पता है एक बंदा वहाँ पे खड़ा है, ठीक है? उनको पता है हमारा मोदी है, हमें सुकून देने वाला है, ठीक है? हर बंदे को उसने दिया है, ठीक है मैम? हर बंदे को उसने सुकून दिया है, सुकून दिया है, इंडिया में सुकून है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, किसको सुकून मिला है आप बताएं? आपको सुकून है इसमें? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं है। हर बंदा यहाँ पे बैठा है, यकीन माने कोई करने वाला हो ना, अगर पैसे हो पास, कोई भी पाकिस्तान में ना रहे, पाकिस्तान एक नाम का है बस। देश संकट में है, लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे निगरान वजीर आजम, कोई भी आ रहा है हुकूमत करने, किसको पागल कर रहे हैं? हमें कर रहे हैं पागल, खुद तो नहीं हो रहे। अच्छा, अवाम पागल हो रही है ये 8 फरवरी के बाद? अवाम कोई लूट रहे हैं ना सर? 8 फरवरी के बाद मुल्क बहुत ज्यादा क्राइसिस में चला गया। डॉलर देखे, महंगाई देखे, पेट्रोल की कीमत हाई होगी, गोल्ड की कीमत हाई, आटा रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाने वाले आज कहां सो रहे हैं? बस इन्होंने एक बहाना रखना था कि हम आटा भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, मकान भी देंगे। ये कुछ भी नहीं दे सकते, हर चीज देनी है अल्लाह पाक ने देनी है, हमें यकीन होना चाहिए अल्लाह पाक पे। और फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है, अल्लाह ताला तो पूरी दुनिया को ही दे रहे हैं, क्या कौम किधर है? हमने आज तक तो जमहूरियत देखी नहीं, नहीं देखी है तो मुल्क के नाम के साथ क्यों लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये तो जमहूरियत हो ही नहीं रही, ये जमहूरियत, ये बिल्कुल कोई इलेक्शन कोई फेर नहीं, कोई जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमेशा से ये इशू रहा है सिंस द बिगिनिंग, तो अब आगे भी कुछ मिरेकल तो होने नहीं वाला, ऐसे ही कोई लूली लंगड़ी गवर्नमेंट आपको मिलेगी। अच्छा, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट? एग्जैक्टली, वही मिलेगी आपको। ये जो अगले साल है इसमें भी पाकिस्तान बुरी खबरें दुनिया में फैलाने में नंबर वन आएगा, वो हमेशा से ही नंबर वन रहा है। बता देते कि नंबर वन नहीं है, ये नंबर टू है, नंबर थ्री है। अगर इन्होंने इतना काम किया होता इनकी अपनी पहचान होती। एक आपकी कंट्री का पॉजिटिव इमेज बन ही नहीं पाता, कभी बनने लगता है, कुछ सॉफ्ट इमेज क्रिएट होने लगता है, तो कोई ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि पाकिस्तान का नेगेटिव चेहरा सामने आ जाता है, लोग फिर यहाँ थू थू करके बाहर निकल जाते हैं। अभी भी पीछे आपने देखा 7-8 लाख लोग, तो क्या है वजह? यही है इन्फ्लेशन क्राइसिस, ये ब्यूरोक्रेट्स को तो फर्क नहीं पड़ता। और हम सुनने में ये आया कि इस इलेक्शन में कम से कम 20 अरब रुपए खर्च हुआ, ठीक है? और 20 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद अगर हमें ये सब कुछ देखने मिलना था तो उससे बेहतर था कि ये पाकिस्तान का कर्ज उतार देते। सर, मुल्क के अंदर चोरियां हो रही हैं, आईन कहां सोया हुआ है? आईन तो है ही नहीं इस मुल्क में, आईन कौन सा यहाँ पे, कुछ भी नहीं यहाँ पे। ऐसा कुछ करके देखने को हमें जो मिल रहा है उससे तो बेहतर है कि हम वैसे ही रहते। पहले हुकूमत चल रही थी ना, वजीर आजम बगैर भी चल रही थी, कुछ भी नहीं था। वजीर आजम लेस पाकिस्तान मंजूर है? ऐसे ही है, फिर जब हमें ये सब कुछ देखने मिलेगा तो फिर उसके बेहतर है हम बगैर वजीर आजम को पाकिस्तान चला सकते। ये मार्शल लगना ही था, लगना ही था, ये प्लान पहले से हुआ है। अच्छा, हाँ, धांधली इसलिए हो रही है कि ना वो टिके ना हम टिके, तो उसके बाद मार्शल लग जाए। आप मानते हैं ये बात को? हाँ, मैं मानता हूँ सर। इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, ये चीज उन्होंने तरक्की की है, पाकिस्तान सबसे पीछे है। इस पे पीछे है? इसके ऊपर है ही चोर है, जो भी आता अपना पेट भरता चोर। 5वां मार्शल लॉ लगने की बात की जा रही है, तो वैसे ही आवाम को जहर दे के मार देना चाहिए। क्योंकि मेहनत करने के बाद जब इंसान घर में दाखिल होता है ना, सही बात, तो बच्चे हाथों की तरफ देख रहे होते हैं कि हाथों में कोई बाप कोई चीज लाया होगा कि नहीं लाया है। सही बात है, कैसे है कैसे नहीं है, इन्हें सिर्फ ये है कि हमें सीट मिल जाए, सीट मिल जाए। इन्हें सिर्फ सीट, सीट के अलावा इन्हें कुछ और आता ही नहीं है। इस जिंदगी से जो है ना मौत अच्छी है, जिंदगी से मौत अच्छी है। 8 फरवरी के बाद 200 लोगों ने जीना छोड़ दिया। पूरा वीडियो देखने बाद मैं यही बोल सकता हूँ, ये आत्मानी कौम कभी नहीं सुधर सकती है, पाकिस्तान की अशराफिया कभी नहीं सुधर सकती है, पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं सुधर सकती है, और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। अब आप क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है, पहल दो इन पाकिस्तानियों को। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। इतना खुश हो रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान इतना कुछ कर रहा है, हम लोग को हंसा रहा है, हम लोग का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहा है, हम लोग का हेल्थ ठीक कर रहा है,
पाकिस्तान इतना सारा कंटेंट दे रहा है भाई, डॉलर्स दे रहा है पाकिस्तान हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी में मदद कर रहा है, कितना कुछ कर रहा है पाकिस्तान। बंटी भाई यार क्या बात करते हो यार, पाकिस्तान नहीं होता तो, देखिए आपने भी वो बात कही ना, पाकिस्तान नहीं होता तो क्या होता, इतना मनोरंजन कैसे होता हमारा बताइए। हर तरफ से कंटेंट की मतलब, बस आंख मूंदना है और इधर रखना है कंटेंट निकल जाए। हम तो कई चीजें छोड़ देते हैं, छोड़ो यार कौन करे, थोड़ा चाइना भी कर लेते हैं, थोड़ा बांग्लादेश भी कर लेते हैं, थोड़ा म्यांमार भी कर लेते हैं, थोड़ा हुतीज भी कर लेते हैं, थोड़ा अमेरिका भी कर लेते हैं। खैर देखिए कुल जमा यह है कि मार्शल लॉ तो नहीं लगेगा, जो डायरेक्ट मार्शल लॉ होता है कि भाई जैसा परवेज मुशर्रफ ने किया, अब वो काम नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो पाकिस्तानी सेना है वो थोड़ी समझदार हो गई है इस मामले में, अब वो प्रॉक्सी मार्शल लॉ लगाएगी, जो उसने काम इमरान खान के बाद शुरू किया, इमरान खान से शुरू किया उसने, कि अपना पिट्ठू बिठाओ पीएम की कुर्सी पर और उसके गले में एक डोर लगा दो और वो रस्सी जो है अपने हाथ में बांधे रहो या अपने बूट में बांधे रहो, जिधर भी मतलब उसका मन करे, और उससे उसको नचाते रहो। तो इस बार भी कोई कठपुतली ही आएगी सामने, इसलिए नहीं आएंगे कि भाई अब बाकी जगहों से अगर डेमोक्रेसी गई, कू हो गया और आसिम मुनीर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट बन गया, तो दिक्कत होगी कि बाहर से जो डॉलर्स आ रहे हैं वो डॉलर आएंगे नहीं। तो अमेरिका गया था आसिम मुनीर, तो उसको वहां से ज्ञान यही मिला है कि भाई ऐसा कर कि तेरे गले में हम अपना पट्टा बांध देते हैं, हम तेरे को डायरेक्ट करते रहेंगे और तू अपने आगे वाले के गले में पट्टा बांध दे और फिर अपने हिसाब से उनको डायरेक्ट कर, तो ओवरऑल जो है मामला सही रहेगा और हम तुझे डॉलर भेजते रहेंगे, IMF से भी पैसे दिलवा देंगे और इधर उधर से भी, वर्ल्ड बैंक से और इधर उधर से भी पैसे दिलवा देंगे और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करा देंगे, तो तेरा जजीरा वजीरा बन जाएगा और बाकी हमारा काम भी हो जाएगा। बाकी तो पाकिस्तान की जनता को क्या करना है यार, वो तो पहले भी भेड़ बकरी थी, अभी भी भेड़ बकरी है, आगे भी भेड़ बकरी रहेगी, हाँकते रहना है बस उसको डंडे के जोर पर, किसी की औकात है कि चूं कर दे, मिलिट्री कोर्ट में डाल के उसको केस चलवा देना उस पर, है कि नहीं? तो देखा नहीं आपने, लोग बोलते नहीं है उठा लिया जाएगा उठा लिया जाएगा, जाहिर सी बात है कि सब आसिम मुनीर जानता है, अमेरिका जानता है ना, सबको जानता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला मार्शल लॉ नहीं आएगा, जो फुल फ्लेज्ड मार्शल लॉ कहते हैं, जो प्योर पाक मार्शल लॉ, अभी जो आएगा वो नापाक होगा, मतलब प्रॉक्सी वाला होगा। तो पाक सरजमीन पर जिसका नाम पाकिस्तान है वहां पर पाक मार्शल लॉ आएगा, प्रॉक्सी जिसे कहते हैं, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? तो हंसो ना फिर, समझ रहा था। बाकी डेमोक्रेसी का किस तरह से मजाक उड़ाया गया है, किस तरह से उसको धोखा दिया गया है, ये उसकी बात सुनकर और पाकिस्तान में हुए इलेक्शन को देखकर तो पता चले गया। दुनिया भर के लोग जो हैं वो चिंता जता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, पाकिस्तान के भीतर भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं वो अंदर भेजे जा रहे हैं, इमरान खान अंदर ही हैं, अब बेचारे बीवी भी देखो यार अब क्या कहें, अब उसको सुना कि बीवी की जान को भी खतरा है, पिछली बार शायद किसी ने ट्राई किया था, टेस्ट किया था, बुशरा बीवी को खाने वाने में कुछ मिला दिया, बुशरा बीवी की हालत ख़राब हो गई, ऐसी खबरें आई थी, कहा गया कि भाई जहर दे दिया गया, तो मुझे लगता थोड़ी मात्रा दी गई होगी बेटा कि बिटिया थोड़ी सुधर जाओ, ज़्यादा पिंकी पिरनी ना बनो, काला जादू मत चलाओ, वरना हमारे पास तुमसे भी बड़ा जादू चलाना आता है, उसका एक झलक हम दिखा रहे हैं, देख लो तुम्हारी क्या हालत हो गई, अगली बार बड़ी झलक दिखाएंगे बस फना हो जाओगी सीधे ऊपर। बाकी वीडियो बढ़िया था, आपको कैसा लगा जल्दी बताएं कमेंट करके, जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म, बंटी भाई की वीडियो उठाई थी, इसमें कुछ फन भी था, तड़का भी वो लगाते हैं। जो वीडियो के शुरू में भी मैंने बोला था कि पाकिस्तानी अब फौज जो है ना उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन काम वही है, काम हुकूमत कर रही है, हुकूमत वही कर रहे हैं जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक वही हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ किस लिए बंधे हैं, क्योंकि सारी की सारी जो एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें हमारी आर्मी है, जिसमें हमारी अदलिया है, जिसमें हमारे इदारे हैं, सारे एक साइड पे है, साइड पे लिहाज से। मैं तुझे एक बात बता दूं, याद आ गया कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मीडिया पे ये बोला गया है, क्या कोई पूरे पाकिस्तान में अगर कोई बंदा इस तरह का गलत लफ्ज इस्तेमाल करेगा हाँ कंट्री तोड़ यूट्यूबर
पर भी यूट्यूबरों के नाम लिया गया है, पता चला मुझे उनको फिर बाद में नाम कहना था 6 महीने हो गए हैं पता नहीं चला वो कहाँ है। खुलेआम धमकी दी गई है भाई, एस्टैब्लिशमेंट की, कोई मीडिया नहीं बता रहा, मैं बताता हूँ खुल के, एस्टैब्लिशमेंट का हुक्म आया, एस्टैब्लिशमेंट ने खुद तो नहीं बोला लेकिन जिन्होंने बोलना है जिससे बुलवाया जाता है उन्होंने आगे ये बोल दिया है कि कोई यूट्यूबर एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नाम कोई इस तरह का लेगा 6 महीने की अगर पता ही नहीं चलेगा कि किधर है, हवा भी नहीं लगेगी, बाद में सोचेंगे क्या करना है, फिर नर मरोज की तरह तस्वीरें लेके ना बैठे रहना, लेकिन सोच समझ के बोलना। मैं आप जीवों को बता रहा हूँ शायद आप सही आप यूट्यूब आप इमेजिन करें कितनी कमीनी वाली फौज है, उन्होंने खुलेआम धमकी दी है। आप अपना नाम बताएं क्या नाम? मेरा नाम रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह वाल्द, वाल्द जो भी है ढूंढ लेंगे, आप ढूंढ लेंगे और फैसलाबाद में ढूंढ लेंगे आप पहुंच जाएंगे, इस तरह फिर ढूंढेंगे तो 24 करोड़ 25 करोड़ वहां को फिर वो पकड़ लेंगे। तो 25 करोड़ में क्या कर लिया है आपने, जिसको वोट दिया उसको तो लेके नहीं आया। असल बात है पता क्या हो गया कि जो 30 लाख को मार सकते हैं कुछ कर सकते हैं, बांग्लादेश में 30 लाख को मारा गया वो कौन थे मारने वाले, किस कंट्री के अंदर आप देखिए ना, इंडिया के अंदर इलेक्शन चल रहा है, असल भाई उधर इलेक्शन चल रहा है, आवाम जो है ना है तो उधर भी डोलबरी हो रही है, इलेक्शन में धांधली उधर भी हो रही है, उधर मशीन के साथ वोटिंग हो रही है उसके ऊपर भी धांधली हो रही है, ये नहीं सबूत दे रहे पाकिस्तानी नहीं दे रहा है, पाकिस्तान इंडिया एक जैसे मुल्क है, एक जैसी आवाम, एक जैसे सब कुछ है, एक जैसी आवाम नहीं है ना उनकी सोच एक जैसी। ओ भाई तू देखते ही ना, मैं सोचता रहता हूँ इंडिया के इलेक्शन के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है, ये है कि इंडिया की आवाम का मुंह बंद इसलिए हो जाता है, उधर उनकी गवर्नमेंट काम कर रही है जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे, उनको वो हर हक और हकूक मिल रहा है। तो भाई हमारे मुल्क में कोई आवाम अगर लीडर वादे करके आता है उसको वादा पूरे नहीं करने दिया जाता। तो भाई इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी का लोकसभा में बयान चलाया था, तो इस पर मजीद आज इंफॉर्मेशन आपकी बनाता चलो, आज उनका बयान आया है उसी इलेक्शन कमीशन जाके चट्ठा साहब का, जिसने कहा था इलेक्शन कमीशन नहीं हो सॉरी कमिश्नर साहब कमिश्नर था, कमिश्नर आईजी के नहीं है, कमिश्नर था रावलपिंडी का कमिश्नर है। तो आज इसका ताजा ताजा बयान आया कि जो मैंने चीफ जस्टिस और इलेक्शन चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन पर मैंने जो इल्जाम लगाए थे वो गलत थे, बेबुनियाद थे मेरे पास। भाई मैं तुझे पहले वीडियो चलाने से पहले बता चुका हूँ उसने अपना बयान बाहर करा दिया, उसको पता था मैं पेश होने जा रहा हूँ, मुझे ये मतलब उन्होंने ले जाना जो मजो एंकर इमरान रियाज को लेके जिन्होंने शरीफ के साथ डालने वाले देखो डालने वाले वो आएंगे जिन्होंने 18,000 बंदे को आम जनता को बंद किया हुआ है, वो आएंगे जिन्होंने रुके के साथ व्यक्ति की थी, वो आएंगे जिन्होंने शिवाज गिर के साथ व्यक्ति की, वो आएंगे उसकी थोड़ी देर में रह गई है नहीं खत्म हो गया है, ये चाहते है कि इसकी शबाशी की हुकूमत लेके आए, दो काम करने हैं, अमेरिका के अंदर ये बात हुई है हमारे एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह के साथ, और वो तुझे ये भी बताता था नदीम अंजम जो है ना हमारे आईएसी के सरबराह और आसिम मुनीर के दरमियान लड़ाई भी हुई है अमेरिका में आपस में, इन दोनों की उधर भी ये लड़ाई भी हुई है, आप दो ग्रुप बन गए फौज के अंदर, ये भी तुझे बताता था, और दूसरा ये भी है ना हकीकत में बता रहा हूँ तुझे, अच्छा अमेरिका में दोनों की मुंह मारी हुई है जो बड़े सरबरा है, पैसों से की वजह से पता नहीं किसकी वजह से भी हुई है, क्या कहते क्या मुद्दा क्या इनका यार, एक दूसरे के साथ मुंह मारी हुई आगे जाने की बात हुई है, जो भी बात हुई है डॉलर का मसला होगा, उसके बाद जो रिकॉर्डिंग की गई है ना उधर ये बोला गया है कि मेरी मुद्दत बढ़ाई जाए आर्मी चीफ में आगे, हाँ और चिकाली फाइल इस तक भी बढ़ाई गई, ये लोग बोले थे नवाज शरीफ लोगों को भी आपने उससे कितने दिए पैसे, पता है तुझे कितने पैसे दे के नवाज शरीफ को लेके आया है,
मरियम नवाज ने 300 अरब रुपया दिया है मरियम नवाज ने वालद अपने बाबा जी नवाज शरीफ साहब को लंदन से पाकिस्तान लाने के लिए बाहर भेजा के एस्टैब्लिशमेंट में इस्तेमाल करवाया। अदालतें खुद पहुंच गई, खुद पहुंच गया, न्याय वाले खुद पहुंच गए इस्तेमाल करने के लिए, जिनका वो मुजरिम था। बिल्कुल समझ आई आपको, ये असर होता। और इनकी मुद्दत बढ़ानी है काजी फायदी साहब चिंतन की भी और आर्मी चीफ की भी। यह रख लेना मेरी बात, आज ही फंदू ने चीफ जस्टिस को भी निकाला और एस्टैब्लिशमेंट को भी खुले मुखुले बोला है जिंदाबाद। और उधर एएनपी के जो है ना असफल यार मलिक, असफल यार मलिक का बेटा भी अजमल लगा है। हाँ अजमल मलिक साहब बोले हैं, बहुत खुल के बोले हैं, आज की ताजा वीडियो से फौज को ललकारा है, सॉरी एस्टैब्लिशमेंट को, सॉरी एस्टैब्लिशमेंट। प्यार से नाम दे डर भी है, है भाई भाई आज यूट्यूबर्स के बारे में सख्त बात नहीं कही। मेरे दो दोस्त हैं क्लास वाले, उन्होंने आर्मी में जाना है, लेकिन मैंने उन्होंने इतना रोका कि एक ने उसी वक्त कह दिया कि मैं वाकई आर्मी में नहीं जाऊंगा, लेकिन दूसरा गया तो वो वैसे रिजेक्ट हो गया। अच्छा नौबत यहाँ पहुंच गई है, नौबत यहाँ भी पहुंच गई है। एक ऑफिसर, मैं उसका नाम लेना जरूरी नहीं, उसके बेटे जी स्कूल में पढ़ते थे ना, पहले वो गाड़ी गवर्नमेंट की गाड़ी पे आता था, मतलब प्रोटोकॉल के साथ गार्ड में होते थे, वो छोड़ जाते थे और आवाम उनको इस तरह देखते थे जैसे प्राइम मिनिस्टर आ गए। तो जो टीचर वगैरह थे वो भी बड़े इज्जत लिहाज उनको बुलाते थे। जिस दिन से वो पकड़े गए या उनके ऊपर इल्जाम तराशी हुई है या उनके इदारे वाले साहब, उस वक्त भी उनके बच्चों को आप जब आते हैं तो खुद क्या कहते हैं, ये गाड़ी तो हमारे टैक्स के पैसे की, हमारी गाड़ी है, जिस पैसे पे आप पढ़ रही वो हमारा पैसा है, आप एक चोर हो, आपके बाबा भी चोर है, आप वो इतना खुल के बोलते हैं। फिर एक और बंदा था, उसके बेटे को स्कूल के अंदर दो बच्चे थे उसके, उसको भी इसी तरह जलील किया गया है, उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया है भाई। अब ये वक्त आ गया, ये कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुआ था। पाकिस्तान में ठीक है अभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन बात सच है कि लोग ने कहा ड्रग्स, वो सब मानते हैं ड्रग्स भी आ पाएंगे, कर रहे हैं जो हुकूमत वही सारा कुछ वो कर रहे हैं। हमारी अदलिया भाई यहाँ तक के हमारे जो चीफ जस्टिस थे ना पिछले उम्र अता बल्याल, उन्होंने कितने ऑर्डर दिए थे, कोई हुआ अमल दरामद, एंड पर उसने थक कर बेचारे ने यह कह दिया कि मेरे पास कौन सी आर्मी है या मेरे पास कौन सी फोर्स है मैं अमल दरामद करवाना है। मतलब उन्होंने वाजे कह दिया था कि भाई मेरी बस मैं इसे फैसला कर सकता हूँ, आगे जो अमल दरामद करना हमारी आर्मी धमकियाँ मिली, बच्चों को उठा लिया गया और एक दिन सुबह उठा के ले गए 9-10 बजे 4 बजे वापस भेज दिया, क्योंकि उनके लिए वही काफी था। उसी दिन उसने बोला बस मेरा वक्त खत्म, उसके और घर चले गए, 15 लाख रुपए महीने का वो ले रहे हैं। आज मैं भी बता दू, आज के दिन भी अच्छा महीना 15 लाख रुपया और बिजली भी फ्री, गैस भी फ्री, गाड़ियां भी मिली, गार्ड भी है, घर भी आलीशान मिला हुआ है, तलीम भी फ्री, आने जाने की कंट्री में जिधर भी जाना टिकट भी, आवाम भी टैक्स, उसको क्या जरूरत है। मैं ना पढ़ के बैठ भाई कभी भी ना इसी वजह से। अच्छा मैंने एक वीडियो देखी जिसमें सबका हमारे जो एक जनरल है ना उनको भी वो भी मतलब इमरान खान के हक में, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक ही बात करता है, लेकिन मैंने एक को देखा है लाखों की तादाद में होंगे वो। अच्छा लेकिन उनकी मानता कौन है? अच्छा वो भी तो जनरल ही थे ना, वो हम क्यों बोल रहे हैं वो सबका हो चुके कंट्री से बाहर जा चुके हैं, हमारी किस्मत तो बहुत ही खुशकिस्मत है, काश हम उधर पैदा होते। वजह क्या है बड़े उधर ही हुए थे, मतलब हम बचती हुए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कम अज कम हमें ये वाली चीजें नफरत है या ये वाली चीजें ना रखनी पड़ती है, हमारी आवाज हमारा वोट हम जिसको डालते कम अज कम निकलता तो उसकी तरफ ना, ये दुख जो है ना ये यकीन करें इस बार अल्फाज में सब अल्फाज में जादू की छड़ी है ना, जादू की छड़ी वो उसका सारा कमाल है, वोट आप जिसको मर्जी डाल निकलेगा उधर से जहाँ पे छड़ी। मुझसे कोई भी पूछता था यार तुम वोट किसको डालने जा रहे हो या किसको है आपका वोट, मैं कहता था भाई आर्मी का, वो कहते क्या आर्मी, हमारे क्या भाई मैंने ऐसा नहीं सिलेक्शन उन्हीं ने कर दी है तो वोट भी मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले दफा मतलब पहला वोट अदा किया
अपने गांव में सबसे पहले मैंने बूथ नंबर 2 पे पहला वोट मैंने ना किया और मैंने कैब भी पीटी की पहली थी, मुझे रोका भी किया। मैंने कहा कि सर आपकी ड्यूटी है सिर्फ और सिर्फ हमें बैड पेपर दो आसान जिसको निशान लगे। रोका क्या का वोट कास्ट करने से? जब मैं वोट कास्ट कर रहा था उनका कैब उतार के आओ। अच्छा, मैंने बोला सर मैं कैब नहीं उतारूंगा, मैं गलत नहीं कर रहा, मैंने अपनी पार्टी की कैब पहनी इसे साबित होता मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आपका जो काम है वो करो, मेरा कार्ड लो, कार्ड लिया उन्होंने लिखा लिख के मेरे निशान बूटे पर लगाया और मैं आगे चला गया दूसरे के पास, दूसरा पेपर उन्होंने दिया तो मैंने लेके अपना वोट अदा किया और फिर उन्होंने पुलिस वाले बोला कि आप भाई आप बैर चले मेहरबानी करो अब तो आप बैर चले करो। फिर मैं चला गया बैर ग्राउंड के ग्राउंड से बैर चला गया, मैंने बोला क्या जरूरत है मुझे, बात तो मेरी पूरी हो गई। इन दी एंड वही बात के आप यार लोग खुशकिस्मत इंडियन लोग जो हमें देख रहे हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत।